डीपीसी कार्यालय खरगोन में भी जिले भर के निजी स्कूल संचालकों ने आरटीई फीस प्रतिपूर्ति में शासन द्वारा की जा रही देरी को लेकर जमकर नारेबाजी की। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन मध्य प्रदेश के सचिव डॉक्टर लवेश राठौड़ के नेतृत्व में निजी स्कूल संचालकों ने जिला परियोजना अधिकारी के माध्यम से आयुक्त राज्य शिक्षा केंद्र को ज्ञापन सौंपा। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष उज्जवल अत्रे ने बताया कि शासन ने 2020-17 में 5वीं और 8वीं बोर्ड की परीक्षा का तुगलकी फरमान जारी किया है। अब लगभग 3 महीने बाद ऐसा फरमान छात्रों के लिए परेशानी का सबब बन जाएगा। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पीएसए जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन मध्य प्रदेश के द्वारा आज मध्य प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों में डीपीसी ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन किया गया है, क्योंकि पिछले 2020-21 और 2021-22 का आरटी का भुगतान शासन के द्वारा नहीं किया जा रहा है। साथ ही साथ भुगतान में बेवजह विलंब किया जा रहा है नए नए फरमान जारी करते हुए, और साथ ही साथ 5वीं 8वीं बोर्ड की परीक्षाओं का संचालन, बोर्ड परीक्षाओं का संचालन करने का भी आदेश मध्य सत्र में आया है, जिसका हम विरोध करते हैं। हम 5वीं 8वीं बोर्ड के पक्ष में हैं, पर हम ये चाहते हैं कि सत्र की शुरुआत में ही इसकी जानकारी दी जाए, 2020-17 में इसकी जानकारी न दी जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 10वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए 10वीं बोर्ड की परीक्षा को भी हटाया जा रहा है, वहीं मध्य प्रदेश शासन अब 5वीं और 8वीं बोर्ड की परीक्षा को संचालित कर रहा है। तो स्वयं ही शासन अपने जाल में फंसता जा रहा है और अपनी विसंगतियां जाहिर कर रहा है। तो हम आज सबका विरोध करते हुए यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर के आए हैं और डीपीसी कार्यालय में ज्ञापन दिया है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।